केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया, देश में अभी तक नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं। खेतों से उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। ज्योतिसर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा की गई स्थापित, जल्द किया जाएगा लोकार्पण। और नरवाना के हॉकी खिलाड़ी मनदीप मोर का भारतीय हॉकी टीम में हुआ चयन, प्रशंसकों और परिजनों में खुशी की लहर। नमस्कार, मैं ममता रानी, अब समाचार विस्तार से। आज संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में कोरोना और वैक्सीनेशन के हालात पर जानकारी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश को आश्वस्त किया है कि अभी तक देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना से किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं। वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में जिस तरह से इस वायरस के संदर्भ में हमें सूचना मिली, उसको देखते हुए एक एडवाइजरी भी डिक्लेयर की गई है। कोर्ट पर हमने भी देखरेख रखना शुरू कर दिया है। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सिक्वेंसिस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है, कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार पूरी तरह से सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के साथ कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यों को कोविड नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। नए वेरिएंट को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो कल 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत प्रदेश में ताज़ा फल व सब्जियों की सुदृढ़ आपूर्ति चेन की स्थापना होगी, ताकि खेतों से उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे वे मार्केटिंग कंपनियों की मदद लेकर पैक हाउस में फसल की प्रोसेसिंग और पैकिंग कर अच्छी कीमत में बेच सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं और MSP पर कानून के लिए कमेटी बनाई जाएगी। करने के लिए कंपनीज आगे आई हैं। मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं इन कंपनीज का कि इन्होंने इस सर्विस को देना शुरू किया है। इसमें से कॉस्ट भी कम होगी, इसमें से प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी जाकर के मिलेगी खरीदार को, और किसान को घर बैठे उसका लाभ हो जाएगा कि हाँ उसका प्रोडक्ट जो है वहीं उसको कैसे उसकी पैकिंग की जाए, कैसे उसको ठीक उसको प्रोसेसिंग की जाए। तो ये सारे काम साथ साथ चल गए। हर एक काम के लिए कुछ प्रोग्राम तय होते हैं, तो ये प्रोग्राम तय हुआ कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, FPOs। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि छोटे किसानों को इससे लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर फैसला किसानों के हित में लेती है और किसानों को अच्छी सुविधा देने के लिए सरकार प्रयासरत है। उसके पास 2-4 एकड़ जमीन, मैकेनाइजेशन वो कर नहीं सकते, अच्छे बीज अच्छी खाद उसकी आउटसोर्सिंग करने में उसको दिक्कत थी, अच्छा भाव नहीं ले पाते थे, तो उसका समाधान के लिए जो एक परिकल्पना भारत सरकार ने की है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए पूरे देश के अंदर, और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है
कि किसानों की जो आमदनी दुगनी करनी है उसका ये एक रास्ता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो काम कृषि क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों में हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश इस बात का साक्षी है कि मोदी जी किसानों के प्रति और कृषि के प्रति प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। उनके 7 साल के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक काम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए हुए वो पहले भी कभी भी कांग्रेस की सरकार के समय में नहीं हुए। कुरुक्षेत्र में अब पर्यटकों को भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को विश्व विख्यात शिल्पी पद्मश्री राम सुतार ने तैयार किया है। प्रतिमा को बनाने में कॉपर, लेड, टिन और जिंक का प्रयोग किया गया है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा ने बताया कि श्री कृष्ण सर्किट के अंतर्गत धर्मनगरी में विराट स्वरूप की स्थापना की गई है जिसका जल्द ही लोकार्पण किया जाएगा। कुरुक्षेत्र ज्योतिसर के लिए लंबित जो मांग थी जिसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले दिनों में जो है हमारी मांग को माना और विराट स्वरूप वहाँ पर अब लग चुका है। आने वाले कुछ समय के अंदर लैंडस्केपिंग और जो मुराल्स उसके बेस पे लगने हैं वो सब पूरा होने के बाद गीता महोत्सव के बाद उसका दोबारा विधिवत हम लोग लोकार्पण मुख्यमंत्री जी से एवं अन्य लोगों से करवाएंगे। पर्यटकों का कहना है कि वह कुरुक्षेत्र हर साल घूमने आते हैं और धर्मनगरी अपने आप में पूर्ण तीर्थ पर्यटन है। विराट स्वरूप की स्थापना से अब कुरुक्षेत्र का आकर्षण और ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने आज पूरा दिन घूमा, बहुत कमाल का लगा और बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सब कुछ और ब्रह्म सरोवर घूमा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, बनारस का जो है एक अलग एक्सपीरियंस है और यहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे बिल्कुल अंदर समा गया है कुरुक्षेत्र। और अभी एक चीज़ और देखा जो खुशी की बात है, श्री कृष्ण का विराट स्वरूप बनने जा रहा है तो संभावना यह है कि और जो कुरुक्षेत्र है ना वो और थोड़ा आकर्षित हमें देखने को मिलेगा। नरवाना के रहने वाले हॉकी खिलाड़ी मनदीप मोर का भारतीय हॉकी सीनियर टीम में चयन हो गया है। भारतीय हॉकी सीनियर टीम में मनदीप का चयन होने पर नरवाना वासियों और उनके परिजनों में खुशी की लहर है। एशिया हॉकी चैंपियनशिप 14 दिसंबर से 22 दिसंबर तक बांग्लादेश के ढाका में आयोजित होने जा रही है जिसमें नरवाना के हॉकी खिलाड़ी मनदीप मोर का चयन हुआ है। मनदीप मोर के परिजनों ने उनके शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई। उन्होंने बताया कि मनदीप इससे पहले भारतीय जूनियर हॉकी टीम में कप्तान भी रह चुके हैं। उनका पहले 30 खिलाड़ियों में चयन हुआ था, अब उनका 18 में चयन हुआ है जो सीनियर टीम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उन्होंने पहले भी पार्टिसिपेट किया खेलो इंडिया में, नेशनल चैंपियनशिप और जो हॉकी इंडिया है उसमें वो खिलाड़ी रहे हैं। बहुत अच्छा उनका प्लेइंग है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं वो। उन्होंने सुल्तान जोहर कप में भी पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर उन्होंने अच्छा खेला था। और जैसे हमारा मोर मोहल्ला है, हमारा मोर परिवार और हमारा सभी हम इस बात से लेकर बहुत प्रसन्न है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आज नूह जिले में 3 दिवसीय अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया। योजना के तहत प्रदेश भर में अंत्योदय मेलों का आयोजन कर लाभ पात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। नूह के उपायुक्त शक्ति सिंह ने DRDA परिसर नूह में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आयोजित 3 दिवसीय अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया। उपायुक्त ने मेले में लगी विभिन्न विभागों की योजनाओं को दर्शाती स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना से सरकार उल्लेखनीय कदम उठा रही है और इस मेले में 17 विभाग और 12 बैंक भाग ले रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, हमारे ज़िले में नूह ब्लॉक और नूह नगर परिषद में कुल मिलाकर के 1882 लाभपात्र परिवार पाए गए हैं जिनको माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी टेलीफोन द्वारा सूचित कराया गया था। यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। जो वेलकम डेस्क है, जो हेल्प डेस्क है, वहाँ के बाद में हमारे जो काउंसलिंग डेस्क है, यहाँ पर हमारी 10 टेबल लगी हुई हैं और यहाँ जो भी लाभार्थी आता है
उस लाभार्थी को हम उसके बारे में पूछते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आप क्या काम करते हो और आपकी आवश्यकताएं कैसे क्या हैं, कैसे सरकार आपकी मदद कर सकती है। हमारा जो डिपार्टमेंट है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नू हर घर जल नल से जल देने की कवायद हरियाणा भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है और हमारा मुख्य उद्देश्य हर घर को नल से जल देना है और शुद्ध पेयजल देना है। जो ये मेला लगाया जा रहा है गरीब लोगों को लाभ पहुँचेगा और मेवाड़ के अंदर तरक्की पर पहुँचेगा। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आज सिरसा में बीडीपीओ कार्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के उपरांत कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जिलों को केरल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी ने केरल, तमिलनाडु व महाराष्ट्र सहित कई अन्य जिलों में विकसित जेलों का निरीक्षण किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जेल में रह रहे कैदियों को अच्छा इंसान बनाना है। हमारे ऑफिसर्स की टीम गई, सब हमने विजिट करा और उसी करके एक हाई पावर कमेटी बनी हुई थी जिसने मोटा मोटा डिसाइड कर लिया। अब उनको साथ लेके हमारे होम मिनिस्टर गए हुए हैं छुट्टी पे, एक हफ्ता 10 दिन की छुट्टी पे गए हैं, अगले एक हफ्ते में आ जाएंगे। उसके बाद बैठ के हम वो भी जो इंसेंटिव ले रहे हैं, जो जेल में बढ़िया खुराक मिले, कैदियों को एक अच्छे आदमी बना के हम बाहर भेजें, उनके साथ क्रिमिनल का ट्रीटमेंट नहीं करें। सिरसा के उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले से आमजन को काफ़ी लाभ मिलेगा और उनके लिए सभी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले का फिर से आयोजन किया जाएगा। 55 ऐसी स्कीम्स है, सरकारी स्कीम्स है जिनके तहत इन बेनिफिशियरीज को लाभ दिया जाएगा और उस लाभ में हमारा जो मेन मोटिव है वो इनकी जो सालाना इनकम है उन फैमिलीज़ की, वो 1,80,000 रुपये से ज़्यादा, मतलब बेसिकली उनको बीपीएल से जो अंत्योदय फैमिलीज़ है उनका उत्थान करना और बीपीएल अबव बीपीएल कैटेगरी में उनको लेके आना। मेले में आए लोगों ने इस मेले के आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि मेले में आने से उन्हें अलग अलग विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़े और एक ही जगह पर उन्हें सब सुविधा मिली है। इसके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मैं ही जोड़नाली से आया था, मेरा 50,000 का लोन पास हो गया जी। यहाँ जी पूरा फायदा हो रहा है, एक छत के नीचे शरीर का फायदा हो रहा है। मेले लगने चाहिए इस तरह के, बहुत अच्छी सरकार आई है। आए सी लोन लेना आए सी, ठीक है जी, इन्होंने डॉक्यूमेंट मंगवाए ने, व्हाट्सअप करने जी, ठीक है जी, बोलते लोन मिल जूगा जी। कैंपों का आयोजन मतलब होते रहना चाहिए भाई, जिसको ना नॉलेज हो, जिसको ना जानकारी हो, सभी को, सभी विभागों को, सिलाई कढ़ाई है, पार्लर का हो रहा है, सभी लेडीज़ों को, जेंट्सों को, सभी को मतलब पता लग जाता है भाई क्या स्कीम है क्या नहीं है। बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, एक ही जगह पे मिल रही हैं और हर किसी को बेनिफिट मिल जाएगा। एक ही जगह पे आकर के अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़ेगा, सो बहुत अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो विलेज से आए या सिटी वाले पर। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,85,73,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि 142 मामले सक्रिय हैं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने ओमिक्रॉन को लेकर राज्यों के साथ की समीक्षा बैठक। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया देश में अभी तक नए वेरिएंट का कोई मामला नहीं। खेतों से उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में 20 कृषि क्षेत्र निवेशक कंपनियों और 22 किसान उत्पादक संगठनों के बीच समझौता ज्ञापन पर किए गए हस्ताक्षर। ज्योतिसर में लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा की गई स्थापित, जल्द किया जाएगा लोकार्पण।
और नरवाना के हॉकी खिलाड़ी मनदीप मोर का भारतीय हॉकी टीम में हुआ चयन, प्रशंसकों और परिजनों में खुशी की लहर। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।